हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म। हिंदू न केवल एक धर्म है बल्कि मानवता और एकता की पद्धति पर जीवन जीने को बताता है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में हिंदू धर्म नहीं कहा गया। इस धर्म को वैदिक सनातन वर्णाश्रम कहा गया है। ऐसा धर्म जिसके अनुसार सभी प्राणियों में आत्मा का निवास होता है। न जायते मीरियते व कदा चिन्नाय भूत्वा भविता व न भाय अजो नित्यो शाश्वते द्याम पुराणों न हन्यते हन्यामने शरीरे। अर्थात आत्मा का किसी काल में ना जन्म होता है ना ही ये मरती है, जो फिर उत्पन्न होकर पुनः होने वाली नहीं है। जो जन्म रहित है, लगातार है और अनादि है, शरीर का अंत होने पर भी यह नहीं मरती। भारतवर्ष में मुगल शासन होने के कारण संस्कृत भाषा का हास्य हो गया एवं सनातन धर्म की अवनीति होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए विद्वान संत तुलसीदास जी ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा की। ऐसा धर्म जिसे वेदांत में सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान उससे धीरे धीरे सहमत नजर आ रहा है। वेदों में ही सबसे पहले ब्रह्मा और ब्रह्मांड रहस्य पद से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा से प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया है। मोक्ष के बगैर आत्मा को कोई गति नहीं है, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के धर्म को ही सनातन धर्म कहा है। जब जब सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास किया गया तब तब इस धरती में वीरों ने जन्म लिया, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज एवं महाराणा प्रताप जी ने जन्म लिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने अलग अलग देश में जाके सनातन धर्म के महत्व एवं महिला का वर्णन किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।